मंगलवार का दिन उज्जैन के लिए मायूसी भरा रहा। अल सुबह ही नीलगंगा थाने के टीआई की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई, तो नए 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। इसके साथ ही उज्जैन में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 33 हो गया है, वहीं मृतकों की संख्या 7 हो गई है। उज्जैन में 3 दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला था, वहीं मंगलवार को थाना प्रभारी के निधन की खबर ने फिर से सभी को चिंता में डाल दिया है। वहीं शहर में कोरोना संक्रमित 6 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 3 दिनों में 184 लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, इनमें कोई संक्रमण नहीं पाया गया। वहीं डोर टू डोर सर्वे में सामने आए सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों के अलावा 24 स्टाफ नर्सें भी थीं। ये माधव नगर अस्पताल चैरिटेबल हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संदिग्ध मरीजों का इलाज कर रही हैं। नई मरीज मिलने से प्रशासन और ज़्यादा सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 1794 सैंपल भेजे, जिनमें से 627 की रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। आज हमें निकास चौराहे की जानकारी मिली थी, एक राजेंद्र आर्य जी हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो उनको और उनकी फैमिली मेंबर्स को उनको हमने आरडी शिफ्ट कर दिया है, राजेंद्र जी को, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तथा उनके घर में 5 मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, जिसमें एक छोटी बच्ची भी है 6 महीने की, तो उन सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। आसपास के एरिया को पूरी तरह से सील करवा दिया। अभी आज जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी हमारे पास निकास चौराहे की जो जानकारी थी, इस कारण हम यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए आए हैं। अभी आज जो पॉजिटिव केस आए हैं उनकी संख्या 6 है। कंटेनमेंट एरिया जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनके स्थल देखने के लिए ही हम लोग निकले हुए हैं, और जो कंटेनमेंट एरिया बनेंगे उसकी सीमा निश्चित करके, और जो पहले कंटेनमेंट एरिया में से संबंधित जो पॉजिटिव केस हैं उस क्षेत्र को तो वही कंटेनमेंट एरिया होगा, और जो नए केस आए हैं उनको अभी देखकर हम कंटेनमेंट एरिया निश्चित करके फिर वो आदेश जारी करेंगे।